सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 से वसंत भाग 1 का 6ठा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है भगवान के डाकिये। ये रियल में वास्तविक में कि ये कविता है, जिसके जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो है कवियों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल कवि का नाम और कविता का नाम ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कवि का परिचय आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिर्फ आप लोगों को इतना ही जानना आवश्यक है कि भगवान के डाकिये कविता के कवि कौन हैं, तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आप लोगों ने जो पिछले पाठ का अध्ययन, यानी कि आपने जो 5वें पाठ का अध्ययन जब मैंने आप लोगों को करवाया था, तो उसमें भी डाकिये शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में भी मैंने डाकिये शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोग पिछले पाठ से अपने इस कविता से अपने आप को जोड़ सकते हैं कि डाकिये शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या होगा। आप लोग सोच सकते हैं बच्चों कि जो हमारे तक चिट्ठी पहुँचाते हैं उस व्यक्ति को, यानी पोस्टमैन को क्या कहा जाता है, डाकिया कहा जाता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर भी ज्वाइनिंग लेटर, ईमेल, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं पोस्टमैन लेकर आता है, या ग्रीटिंग कार्ड भी कभी कभी लेकर आता है, उसी को डाकिया बोला जाता है। तो कविता को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस कविता का सार बता देती हूँ। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिये माना है, और ये कहना चाहा है कि यही है जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये ईश्वर के संदेश वाहक होते हैं। दिनकर जी का कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश वाहक हैं। यहाँ पर ईश्वर जो शब्द आया है वो गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए आया है, और उन्होंने पक्षियों को, यानी कि जो पंछी हैं आपके जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी, और बादल जो आसमान में छाए रहते हैं, उन दोनों को उन्होंने गॉड के संदेश, यानी कि गॉड की जो बातें हैं, जो उनके अच्छे अच्छे संदेश होते हैं हमारे लिए, वो जो मैसेज अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, उनको हमारे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, और बादल घुमड़ घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। विचरण का क्या अर्थ है कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भगवान के डाकिये प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि भगवान का संदेश पाकर एक विशाल देश को पार करते हुए दूसरे विशाल देश में जाते हैं। विशाल देश एक शब्द आया है, मतलब बहुत बड़े देश। विशाल देश का अर्थ क्या क्या है यहाँ पर, अर्थ है बहुत बड़ा देश, बहुत, जैसे भारत एक विशाल देश है। ठीक है, इस तरीके से, और ईश्वर का संदेश बांटते हैं। कवि का मानना है कि हम अपने आप को अत्यधिक विद्वान समझते हैं। हम यहाँ पर शब्द दिखाया है, कवि का मानना है, मतलब कवि क्या कहते हैं कि व्यक्ति केवल स्वयं को ही विद्वान समझता है, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान वो किसी और को नहीं समझता, और पेड़ पौधों आदि को जड़ और बेजान समझता। और क्या कह रहे हैं कवि कि हम पेड़ पौधों को कैसे समझते हैं कि इनमें कोई जान नहीं है, ये तो निर्जीव हैं। लेकिन कवि ने उनको कैसा दिखाया है, उनको सजीव दिखाया है, मतलब कि बेजान वस्तु नहीं है पेड़ पौधे, बल्कि वो भी सांस लेते हैं, वो भी कैसे हैं, व्यक्तियों के समान हैं, जिंदा हैं। उसे मनुष्य समझने में और बेजान है जो हमारी मूर्खता है, मतलब ये हम ऐसा, यदि हम पेड़ पौधों को बेजान समझते हैं, मरा हुआ समझते हैं, निर्जीव समझते हैं, तो इंसान की क्या है, बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि वो उसकी क्या है, मूर्खता है। वास्तव में पक्षियों में बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे समझने में असमर्थ रहता है, जबकि पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र एवं पर्वत उनके द्वारा लाए संदेश पढ़ लेते हैं। कवि का मत है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र सामान्य रूप में देख लेते हैं, लेकिन उनके अच्छे निहित उद्देश्यों को हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो सब यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती है। यही सुगंध मुक्त हृदय के प्रेम में संदेश की भांति पक्षियों के उड़ते पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है। बादलों के रूप में एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इस कविता का यही अभिप्राय है कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बैर भावना के मुक्त भाव से जाते हैं। यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है,
हमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाता है। इस कविता का सार था बच्चों। अब हम कविता को शुरू करेंगे। कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ हम एक बार देख लेते हैं। और बच्चों, मैं इसी कविता में जो भी व्याकरण के आपके प्रश्न बनने वाले होंगे वो मैं आपको कविता के दौरान ही आपको समझा दूंगी। तो आपको कविता को बहुत ध्यान से सुनना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। आपका एक भी प्रश्न इस कविता से नहीं छूटेगा, ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपना डाउट मुझे भेज सकते हैं। तो हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। एक कविता के अंदर शब्द आया बाँचना। बाँचना जो है, हमारे अनपढ़ लोग भी जो होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि हम अक्षरों को बाँच नहीं पाते हैं, मतलब पढ़ना, सस्वर पढ़ना, ठीक है। कि पढ़ना, सस्वर पढ़ने का अर्थ क्या है कि बोल कर पढ़ना, ठीक है। जैसे कि आप जब इस कविता को बोल कर पढ़ेंगे या आप पढ़ सकते हैं तो उसको बोलेंगे बाँचना। आँकना एक शब्द आया है, उसका अर्थ होता है यहाँ पे अनुमान करना, अनुमान लगाना, किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना, ठीक है। पाँख एक शब्द आया है। पाँख एक प्रचलित भाषा है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी शब्द क्या होगा, पंख पर, पंख। सौरभ एक शब्द आया है। सौरभ का जो पर्यायवाची शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, सुगंध और सुभास, मतलब कि सुगंधित। चलिए अब हम कविता को शुरू कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में, बड़े रोचक ढंग से इस कविता को लिखा है। पहले कविता का नाम का ही अर्थ बता देती हूँ, भगवान के डाकिये से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कवि यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक तो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है और उनके डाकियों के बारे में, यानी कि भगवान के कौन कौन डाकिये हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कविता के नाम से ही आप लोगों को अर्थ निकालने का प्रयास करना है, ये एक बहुत अच्छी कला मानी जाती है, ठीक है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। जो पंछी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, खग है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं कई, तो उसमें खग भी एक शब्द होता है, पक्षी होता है, पंछी होता है, परिंदा होता है, ठीक है। ऐसे ही शब्द बादल, पंछी और बादल यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को ही, बादल का जो पर्यायवाची होता है वो व्योम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही किसके डाकिये हैं, भगवान के ये डाकिये हैं, ईश्वर के ये डाकिये हैं। क्यों डाकिये हैं, इससे अगली पंक्ति में यहाँ पे जो है लेखक कवि जो बता रहे हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यहाँ एक शब्द आया है महादेश। महादेश का अर्थ क्या होता है बच्चों, विशाल देश, ठीक है। जैसे भारत कैसा है, एक विशाल देश है, तो जैसे पंछी जो है भारत से कोई संदेश लेकर दूसरे देश, किसी दूसरे देश का नाम बताओ बच्चों, जैसे बताइए कुछ किसी दूसरे देश का नाम, महादेश जो काफ़ी बड़ा, जैसे रूस, आप लोगों ने ज्योग्राफी में या पढ़ा होगा। तो जैसे भारत से कोई संदेश लेकर कोई पक्षी और बादल किस देश में गए, रूस में गए। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक उदाहरण दिया है विशाल, ठीक है। एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में भगवान के ये दोनों डाकिये, कौन कौन दोनों डाकिये, पक्षी और दोनों बादल, ये दोनों भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, ये जो पंक्ति है ये किसके लिए, ये मनुष्य के लिए बोली गई है। यहाँ पर लेखक ने बोला हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो अर्थ यानी कि मनुष्य जो हैं वो उनके इस संदेश को समझ नहीं पाते हैं। वो तो केवल ये समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें कोई जान नहीं है, नदियों में कोई जान नहीं है, लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, लेकिन जो ये पक्षी और जो बादल, चिट्ठियाँ मतलब कोई संदेश, ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई चिट्ठी लिखी और उनके मुंह में डाली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है कि एक संदेश, जो पक्षी और बादल एक संदेश लेकर आते हैं जिनको कौन पढ़ पाता है, पेड़ पढ़ पाते हैं, पौधे पढ़ पाते हैं, पानी यहाँ पर नदियाँ, पहाड़ मतलब पर्वत, बड़े बड़े ऊँचे माउंटेन्स, वही बाँचते हैं, मतलब केवल वो ही उनकी भाषा को पढ़ पाते हैं, वही केवल समझ पाते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पहला पैराग्राफ बच्चों। अब हमें देखना है एक शब्द आए यहाँ पे, चार शब्द, एक जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़। यहाँ पर जैसे
एक पंक्ति में प प प शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी भी पंक्ति में यदि किसी भी वर्ण का दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ सब में प प प शब्द का प्रयोग किया गया तो कौन सा अलंकार हुआ बच्चों यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। जैसे आप बच्चों ने बहुत बार एक छोटी सी कहानी सुनी होगी अनुप्रास में कि चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच में चांदनी रात में चटनी चटाई। तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होने के कारण कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये जो है आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि अब आपका जो लेवल है वो बढ़ चुका है, आप 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो इसलिए अलंकार वगैरह जो शब्द हैं ये आपके 10th तक आते हैं, आप लोगों को अच्छे से एक बार में समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम शब्द बच्चों आप लोग बताओ यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है कि मनुष्य केवल अपनी बुद्धि तक इतना ही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात एक यदि हमारे आपने देखा होगा जहाँ पर आसपास बहुत सारे फूल खिले होते हैं तो आसपास के वातावरण में भी एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। क्यों आती है बच्चों? क्योंकि जो उन फूलों की महक होती है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मनुष्य क्या सोचते हैं कि धरती केवल क्या करती है? केवल अपनी सुगंध को भेजती है, यानी अपनी जो खुशबू है वो ही केवल एक देश से दूसरे देश को भेज सकती है। लेकिन जो ये पक्षी और बादल है आगे कवि क्या कहते हैं, भेजते और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों को पंखों पर तैरता है। लेकिन जो ये खुशबू है फूलों की, जो ये खुशबू है यहाँ पर क्या हो रहा है, वो और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और वो जो पक्षी और बादल है उस सुगंधित हवा में कैसे हैं, तैरते मतलब उड़ते रहते हैं और पक्षियों की पंखों पर तैरता है। और जो वो सुगंधित हवा है जो फूलों की अच्छी खुशबू है वो उनकी पंखों पर मतलब उनके पंखों पर तैरता मतलब तैरती रहती है, यानी कि उनके पंखों से वो खुशबू हमेशा आती रहती है। तो जब वो उनके पंखों पर लग गई, जैसे आप कहीं खुशबू वाली जगह पर बैठे हो तो क्या कैसा होता है, जब आप कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो आप दूसरी जगह पर भी महक आने लगती है। ठीक है, वर्तमान में आप बच्चों को उदाहरण दीजिए इसका, जैसे आप लोग बहुत सारे आजकल सेंट का यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है, डीओ वगैरह इस तरीके का कोई लगा के जाता है तो दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो दूसरे बच्चों को भी उसमें से सुगंध आने लगती है। लेकिन यहाँ पे प्रकृति की सुगंधित बातों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। कवि क्या कहते हैं कि जो हमारे देश की जो धरती है वो अपनी खुशबू को एक देश से दूसरे देश को भेजती है, ये ऐसा तो अनुमान केवल मनुष्य लगाता है, लेकिन असली में वास्तविक में बात क्या है कि जो हमारे पक्षी हैं, जो हमारे बादल हैं, वो तो इस खुशबू में हमेशा उड़ते रहते हैं, उसमें उड़ते रहते हैं और अपने पंखों पर लगाकर उस खुशबू को दूसरे देश में ले जाते हैं। और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि जिस प्रकार से बादल क्या होता है कि बादलों का निर्माण फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो है मान लो इस देश में हुआ, लेकिन वो उनकी जो बरसात होती है वो किसी और दूसरे देश में होती है। यहाँ पर कवि ऐसी बातें क्यों बता रहा है क्योंकि कभी भी पक्षी हो या बादल हो, भगवान के जो ये संदेश वाहक हैं ये कभी भी भेदभाव नहीं करते कि हमें केवल इस देश से ही प्रेम है इसलिए हम यहाँ पर ही बारिश करेंगे, यहाँ पर ही अपनी खुशबू फैलाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जबकि ईश्वर के जो संदेश वाहक होते हैं, ईश्वर के संदेश वाहक कौन है, यहाँ पे पक्षी हैं और बादल हैं, वो क्या करते हैं केवल अपने ही देश की सीमाओं के बारे में नहीं सोचते बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे कोई इंसान यदि कोई पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरे विश्व के बारे में सोचता है, जैसे भारत एक कैसा देश है, पूरे विश्व के बारे में सोचने वाला देश है। यदि आज भारत को कोरोना वायरस के ऊपर यदि कोई टीका मिल जाता है तो भारत ऐसा नहीं है कि उस टीके को अपने पास तक ही रखेगा बल्कि उसको पूरे विश्व तक पहुँचाएगा, ऐसा भारत ने पहले भी कई बार किया है। तो ये कौन सी भावना होती है, ये विश्व बंधुत्व की भावना
होती है जो पूरे विश्व में भाईचारे की भावना रखती है। यानी कि केवल हमारा विकास नहीं होना चाहिए, केवल हमारा कल्याण नहीं होना चाहिए, बल्कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीयता के, बिना सीमाओं के, कि हम केवल अपनी सीमा के अंदर रहने वाले देश की लोगों की रक्षा नहीं करते, बल्कि इस विश्व में हम सभी लोगों की रक्षा करने की इच्छा रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो पंछी होते हैं, जो बादल होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें केवल एक ही देश में काम करना है, हमें केवल खुशबू भारत में ही फैलानी है, बल्कि वो पूरे विश्व में अपनी खुशबू को फैलाते हैं। आपने देखा होगा वर्षा केवल हमारे भारत देश में ही नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे देशों में होती है। तो क्या है, तो बादल कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते। तो हमें कविता क्या संदेश देती है बच्चों? कविता हमें यही संदेश देती है कि इंसान को भी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, वैर भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की मतलब पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे दिलों में प्रेम की भावना होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों ये जो है अंत में इसके प्रश्न भी मैं दे रही हूँ, आप लोग इसके प्रश्नों को याद लिखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके आंसर देने का कोशिश करूँगी। आप यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके अपने प्रश्न उत्तर यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए बच्चों। आपका जो है जल्दी से अपने स्कूल खुलेंगे और जल्दी से हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।